हाय गाइस, आप लोगों ने देखा था कल मैंने आपको दिया था सिनेमन हेयर ग्रोथ टोनर, जो कि था हेयर फॉल कंट्रोल के लिए और बाल्डनेस के लिए। बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है ये, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट है सिनेमन, ठीक है। एंड इसका टोनर मैंने दे दिया है आप लोगों ने, आई होप काफी लोगों ने बना लिया होगा, यूज भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ सिनेमन हेयर ग्रोथ ऑयल। जी हाँ, ये जो ऑयल है ना, ये आपके बालों में बहुत अमेजिंग काम करने वाला है, बालों की ग्रोथ फास्ट करने वाला है, हेयर फॉलिकल्स आपके एक्टिव होकर ग्रो होंगे एंड नए नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बाल आपके खो चुके हैं, जा चुके हैं, झड़ चुके हैं, वो बाल फिर से दोबारा उगना स्टार्ट हो जाएंगे। हेयर ग्रोथ रुक गई है, नहीं बढ़ रहे हैं बाल, चाहे आपने कुछ भी कर लिया हो, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो भी आपका हेयर ग्रोथ इससे होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे यूज करिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बोलूंगी, मेरे चैनल पर 3 से 4 सीरीज चल रही है, उनमें से आपके बालों की जो प्रॉब्लम है उस सीरीज को करिए, जिसको भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पहले ब्लैक टी सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, उसमें पैक, टोनर, जेल है ना, हेयर वॉश एंड ऑयल सब कुछ मैंने ब्लैक टी का दिया है, उसको स्टार्ट कर दीजिए करना, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एंड उसके बाद में जिनको भी मॉनसून में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, वो मॉनसून के लिए सिनेमन का ये जो सीरीज चल रही है, सिनेमन टोनर एंड सिनेमन ऑयल मैं आज देने वाली हूँ, इसको यूज करिएगा। एंड एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है पूरा मॉनसून हेयर फॉल कंट्रोल सीरीज करके, उसमें मैंने टोटल सारी वीडियो डाल दिए, उनमें से आप कोई भी रेमेडी बना सकते हो एंड यूज करिए, आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम है ना वो दूर होगी, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा एंड जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको लेनी है हेल्दी डाइट, जो कि हर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। DIYs जितनी यूज करते हैं उतनी ही हमें हेल्दी डाइट लेनी है। ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, डार्क कलर के फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये 3 चीज़ आपने अपनी लाइफ में उतार लिया ना, तो आपके बालों की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। इसके अलावा आपकी बॉडी में कोई डिजीज है तो उसको पहले ट्रीट करिए, क्योंकि उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे PCOD की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अभी दी है, 2-3 दिन पहले दी होगी, आप लोग देख लेना। इरेगुलर पीरियड्स पे अगर वो प्रॉब्लम है तो वो ट्रीट करिए, उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छी नेचुरल चीज़ बताई है, उसको आप यूज़ करना स्टार्ट कर लीजिए, 3 महीने में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, PCOD पर भी वो काम करेगा, ठीक है। एंड ये जो चीज़ है, तो इसके साथ ही साथ बॉडी में जो भी डिजीज है उसे ट्रीट करिए जल्दी जल्दी, जिससे हमारा हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाए। एंड इसके अलावा अपना लाइफ स्टाइल को अच्छी करिए, जिससे हेयर ग्रोथ अच्छी हो, जिसमें आपको जंक फूड नहीं खाने हैं, सारी हेल्दी डाइट लेना है एंड आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है ना जिससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए, है ना। चलिए गाइस, तो अब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं कि सिनेमन ऑयल कैसे बनेगा। आपको एक भगोना ले लीजिए या पैन ले लीजिए, आप इसे लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो भी बर्तन हो वो बना लीजिए, मैं अभी नॉर्मल स्टील का बर्तन है उसी में बना रही हूँ। एंड यहाँ मैंने 1 कप लिया है मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, आप यहाँ पर देखिए मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी ले लीजिए। बस आपको तिल का तेल यानी सिसमे ऑयल नहीं लेना है, क्योंकि उसकी तासीर होती है गर्म एंड वो हम लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे, जब थोड़ा विंटर आएगा ना तब हम वो यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है एंड मस्टर्ड ऑयल इतना अमेजिंग होता है आपके बालों के लिए, आपके बालों को काला बना के रखता है ना, बालों को जड़ों से मजबूत करता है एंड बाल हैं इससे काफ़ी घने और लंबे होते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है। एंड इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ सिनेमन, जो कि 3/4 मैंने लिया है, मतलब कि आधे चम्मच से भी आधा चम्मच, ठीक है, 1/4 मैंने लिया है सिनेमन पाउडर, ओके। एंड ये जो सिनेमन है ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, कल के टोनर में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या ये गुण हैं इसके, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इसको बनाना कैसे है कि आपको फ्लेम को बंद ही रखनी है, ठीक है। एंड उसके बाद में ऑयल जब डाल देंगे उसके बाद में थोड़ा सा फ्लेम ऑन करके एकदम स्लो फ्लेम कर देना, ठीक है, धीमा आंच रख के, और फिर आपको ये सिनेमन इसमें डाल देना है एंड पाउडर ही डालना है, स्टिक नहीं डालनी है। स्टिक से क्या होगा कि उसको इन्फ्यूज़ होने में टाइम लगेगा और हमें इतनी देर तक ऑयल को नहीं गर्म करना है, ठीक है। हम लोग पाउडर डालेंगे तो वो जल्दी से ऑयल के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने इसलिए पाउडर लिया है सिनेमन पाउडर। एंड घर में पीस लेना, ईजिली पीस जाता है ये, ठीक है, ग्राइंडर में डाल के। एंड यहाँ पर अब मैंने सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको गैस को ऑन रखा था, 3 मिनट, यानी कि जब हमारा ऑयल एकदम तेज़ गर्म हो जाए ना, एकदम तेज़ गर्म,
ऑयल है ना, उसके बाद में आपको बंद कर देना है, क्योंकि इसमें जो हमने सिनेमन डाला है वो इजीली, ऐसा नहीं है कि हम इसे छानेंगे तो पूरा निकल जाएगा, निकलता नहीं है, वो इसी के अंदर रहेगा एंड लास्ट में क्या होगा, बॉटल में नीचे जम जाएगा, तो वो इसी में रहेगा ना, तो वो अपना जो गुडनेस है वो ऑयल के अंदर आता रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 3 मिनट या 4 मिनट, हार्डली मोस्ट मतलब 4 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, और फ्लेम को एकदम धीमा रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अब मैं सिनेमन के आपको थोड़े से फ़ायदे बता देती हूँ। ये स्टिक्स होती है जो कि आप देख रहे हैं, इस तरह की सिनेमन, एंड ये हर एक के घर में किचन में मौजूद होती है, हम लोग सब्ज़ी में हर चीज़ में इसको डालते हैं, बनाते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है एंड काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि दालचीनी जो है इसमें होता क्या है। इसमें बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन B6, ये इसमें मौजूद होता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बालों को लंबा करता है, हेयर फॉल को इंस्टेंटली कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड आपके पूरी शरीर यानी कि हम पूरी बॉडी को हर एक बीमारी से बचाता है ना। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी को उतना ही डाला है कि हम लोग आराम से इसे लगा सकें, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो ये आपके जो वज़न है ना, जो आपका वेट है, उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक वीडियो आएगी, ये सीरीज़ चल रही है अभी दालचीनी की, ठीक है, पूरी सीरीज़। अभी कल मैंने टोनर दिया ना, आज मैंने ऑयल दे दिया आपको, अब इसके और भी आएंगे, फूड भी लेकर आऊँगी मैं, ड्रिंक भी लेकर आऊँगी, पैक भी आएगा, ठीक है, सारी चीज़ें आएगी अभी। तो यहाँ पर ये आपके बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी है, वेट लॉस के लिए अच्छी है एंड इसके साथ में अगर हम लोग बात करें तो डायबिटीज़ जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर इसे रेगुलर रोज़ आप लोग खाने में दालचीनी को अगर खाएंगे तो डायबिटीज़ वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। यानी आप सब्ज़ी बनाते हैं ना, उस सब्ज़ी में डाल सकते हैं, या सब्ज़ी बनने के बाद में आप ऊपर से हल्की सी थोड़ी सी चिमटी जो नहीं होती, पिंच, बस पिंच उसमें डाल सकते हैं सब्ज़ी में ऊपर से, तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो ये ओवरऑल देखें तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ऑयल बन के रेडी हो गया है, उसे मैंने बॉटल में डाल के रख लिया है, शीशी में, कांच की, ठीक है, आप लोग प्लास्टिक में, कांच में, किसी में भी रख सकते हैं। एंड इसके बाद मैं अब एप्लीकेशन दिखा रही हूँ। सबसे पहले देखिए, हमेशा बालों को टैंगल फ्री करना है, कॉम्बिंग मसाज करनी है, आपको अपने फिंगर टिप्स से मसाज करनी है, ये 3 स्टेप हर सबसे पहले करने हैं जब भी कुछ बालों में लगाएंगे उससे पहले, ओके। एंड अब मैंने जो कल टोनर बनाया था ना, सिनेमन टोनर, जो आपको वीडियो जा चुकी है, वही टोनर मैं स्प्रे कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, यही टोनर स्प्रे करने के बाद मैं बस आपको एक 10-15 मिनट वेट करना है और उसके बाद में ऑयलिंग करनी है, ठीक है। एंड बालों पर अच्छे से स्प्रे करना टोनर को, पूरा लेंथ पर, अपने हेयर शाफ्ट पर, स्कैल्प पर, सब जगह करके मसाज दे दीजिए, 10-15 मिनट रुक जाइए और फिर ये वाला ऑयल जो मैंने बनाया है सिनेमन ऑयल को यूज़ करना है। ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को सूट नहीं करता है रात में तो फिर आप अपना हेयर शैम्पू करने से 2 घंटे पहले ऑयल लगा लीजिए बालों में, ठीक है, 2 घंटे तो पहले कम से कम लगाना ही, तभी तो वो बात काम करेगा ना सिर में, इसलिए, ठीक है। एंड अच्छे से मसाज करिए पूरे बालों पर, स्कैल्प पर लगाइए, अच्छे से मसाज करिए, लेंथ पर अच्छे से लगाइए और फिर आप लोगों को देखिए क्या करना है, कंघा नहीं करना है। जब भी ऑयलिंग करते हैं तो बाद में ऑयल लगाने के बाद में सिर में कंघा नहीं डालना है, कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देना, 2 घंटे में वो आपके बालों में, स्कैल्प में अंदर चला जाएगा तेल, ठीक है। उसके बाद में आप लोग कंघा यूज़ करिए, बालों को टैंगल फ्री करके चोटी बना के रात में सो जाइए, ठीक है, ये आपको काम करना है। हमेशा याद रखिए, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, काफ़ी लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हम तेल लगाते हैं तो हेयर फॉल होता है, क्यों हेयर फॉल होता है, क्योंकि आप लोग तेल लगा के सीधा कंघा सिर में के और कंघा करना स्टार्ट कर देते हो, इसलिए आप लोगों का हेयर फॉल होता है, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, ओके। एंड ब्रेड बना के और आपको रात में सो जाना है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो सिनेमन है ना, वो आपके हेयर के लिए जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी आपकी स्किन के लिए है। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि स्किन केयर करिए, बीच में मैंने पहले स्किन केयर की सीरीज स्टार्ट की थी, काफ़ी वीडियो दी है मैंने आपको स्किन केयर पर एंड उसके बाद में फिर हमने ये वाली हेयर की सीरीज स्टार्ट कर दी थी, है ना। तो अभी मैं स्किन केयर भी आएगा और ये वाला जो सीरीज़ है ये भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो बीच में इसकी और उसकी दोनों वीडियो आएगी, व्लॉग के साथ में आएगी, है ना, हम लोग
चिट चैट करते हुए ये व्लॉग के साथ में सीरीज चलाएंगे। ओके, तो जिसने अभी तक व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं करें, क्योंकि अब मैं आपके स्किन केयर बहुत ही अच्छा कर दूंगी। काफ़ी लोगों ने बहुत कमेंट करें कि स्किन केयर के लिए बताइए, एंड स्टार्टिंग में मैं बहुत स्किन केयर करती थी, बहुत ही ज़्यादा मेरे, आप इसी चैनल पर सर्च कर लेना, आपको हर चीज़ मिलेगी, यहाँ तक कि मेरे सारे फेशियल मैंने कर रखे हैं, पैक हैं, बहुत सारे स्क्रब हैं, हर चीज़ मैंने इस चैनल पर दी है जो स्टार्टिंग पुरानी वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग नए सीरीज से हम व्लॉग चैनल पर करेंगे, ओके, एंड आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, कल से वहाँ पर सीरीज़ का फर्स्ट डे आ जाएगा। तो चलिए, ऑयल हो गया, एप्लीकेशन हो गया, जल्दी से बनाइए और करिए, आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ कल बहुत ही अच्छी वीडियो में, और 1 बजे वीडियो आएगी व्लॉग चैनल पर, ज़रूर देखिएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर दीजिएगा यार, रोज़ रोज़ बोलना पड़ता है, लाइक ज़रूर करिए अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो। ओके, बाय।